हेलो एवरीवन, वन सेकंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड फैशन शॉर्ट। तो मैं हूं अंजलि और आज मैं करने वाली हूं सुल्तान बाजार स्ट्रीट शॉपिंग ब्लॉग। तो ये मैं हो गई रेडी और अब मैं जा रही हूं। तो हम मैंने जाने के टाइम पे जस्ट वे का एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो मैं अपना जर्नी स्टार्ट करती हूँ एल बी नगर से होते हुए मैं जाऊँगी दिशुक नगर से मूसाराम बाग से न्यू मार्केट एंड फिर देन मलकपेट के बाद उस्मानिया होते हुए हम पहुँचेंगे कोटी को ही हम सुल्तान बाजार बोलते हैं। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इन सिंपल वे वी कैन से लाइक चीप एंड बेस्ट थिंग्स मैं शो करने वाली हूँ इस ब्लॉग में। एंड ये वीडियो मेरा पार्ट वन होगा, मैं पार्ट टू भी अपलोड करूंगी नेक्स्ट वीक, तो प्लीज़ आप उसे मिस ना करें। सो फाइनली वी हैव रीच्ड एट कोटी और सुल्तान बाजार। तो ये मैं जा रही हूँ फर्स्ट शॉप की ओर। मैं क्या लेने जा रही हूँ, हाँ मैं स्क्रंचेस की ओर जा रही हूँ। ये स्क्रंचेस मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा था दूर से ही, आप भी देख सकते हैं इसमें काफ़ी कलर है लाइक वाइट, पिंक, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक एंड मोर। सो ईच वन प्राइस 20 रुपीज़ है और ये सिल्क मटेरियल में है स्क्रंचेस, ये भी बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू इयरिंग्स। ये इयरिंग्स ईच वन प्राइस 50 रुपीज़ है। इसके जस्ट ऊपर में आप देख सकते हैं बहुत सारे प्यारे प्यारे झुमके हैं, कलरफुल लग रहे हैं पूरे। साइड में जस्ट छोटा इयरिंग्स है, ये पर्ल्स एंड लाइक स्टोन से बने हुए हैं ये, इसका भी लुक मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड जस्ट इसके ऊपर में एक इयरिंग्स है, इन कॉमन वे बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं थ्रेड एंड नीडल डिज़ाइन का इयरिंग्स है ये। एंड साइड में ये बटरफ्लाई डिज़ाइन का इयरिंग्स है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैंने इसे परचेज भी किया है, ये ऑरेंज वाली मैंने लिया। सो मैंने जो भी यहाँ से परचेज किया है लाइक इयरिंग्स, क्लचर्स, नेल पेंट्स, स्क्रंचीज, उसका मैं पार्ट टू में हॉल करूँगी, तो प्लीज़ आप भी वो देखना मिस ना करें। सो ये ओवरऑल लुक है, देख सकते हैं आप कितनी प्यारी प्यारी इयरिंग्स है। पूरी इयरिंग्स का प्राइस जस्ट 50 रुपीज़ ही है। ये जो मैंने ऑरेंज वाले इयरिंग्स लिए हैं उसका वियरिंग एरिया बहुत ही छोटा था, तो मुझे डाउट था इसलिए मैंने भैया को बोला भैया मुझे निकाल के ये दिखा दो। तो ये भैया इसे निकाल के दिखा रहे हैं मुझे, बट छोटा दिख रहा था, बट ये वियर करने में कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी उसमें झंझट कुछ भी नहीं आ रही। तो ये आप देख सकते हैं ओवरऑल लुक पूरे इयरिंग्स का, पूरे पर्ल्स वाले इयरिंग्स से बहुत ही प्यारी प्यारी लुक है इसके। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू एंड द शॉप ऑफ इयरिंग्स। सो यहाँ पे भी जो भी इयरिंग्स है पूरे 50 रुपीज़ के ही है, बट इसका डिज़ाइन डिफरेंट है, जस्ट लाइक स्टोन डिज़ाइन में है ये, कलरफुल स्टोन है, आप भी देख सकते हैं। OMG, क्या ही बोलूँ इस इयरिंग्स के बारे में, इट्स लुक सो एलिगेंट, ये मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है इयरिंग्स। ये ग्रीन कलर का झुमका मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा, और यहाँ पे जो भी इयरिंग्स है पूरे के प्राइस 50 से 250 के मिडिल में ही है, डिफरेंट डिज़ाइन में इयरिंग्स है। ये ग्रीन वाली इयरिंग्स भी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, बट मुझे कुछ झुमका डिज़ाइन का इयरिंग्स लेना था तो मैंने ये झुमका ही लिया। इसका प्राइस 150 रुपीज़ शॉपकीपर ने बोला, बट मैं जस्ट 100 रुपीज़ में ली बार्गेनिंग के बाद। और ये येलो वाली इयरिंग्स भी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी तो मैंने ये भी ले लिया। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू बैंगल्स। इस शॉप पे पूरे बैंगल्स के प्राइस फिक्स है 100 रुपीज़, यहाँ पे कुछ भी बार्गेनिंग नहीं है। बैंगल्स के मल्टी कलर है, सिल्वर कलर है, गोल्ड कलर है एंड कलरफुल कलर में भी है। जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं पिंक का मल्टी कलर एंड ग्रीन कलर। मैं ग्रीन कलर का बैंगल देख रही थी बट मैं ये नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा। सो एज 15 अगस्त आ रहे हैं तो किट के लिए बहुत सारे कलरफुल बैंगल्स भी थे और जस्ट लाइक तिरंगा कलर में भी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे कोई भी बैंगल्स पसंद नहीं आए तो मैं ये ऑक्सीडाइज बैंगल्स की ओर चली गई। यहाँ पे ब्रासलेट बहुत ही अच्छे, ये आप देख सकते हैं, ये मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पे कुछ पिकॉक डिज़ाइन में ही है और इसका शेप जो है वो स्क्वायर शेप में है और नीचे में जो छोटे छोटे से ऐसे घुंघरू जैसे लगे हुए हैं, ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैंने इसे भी बाय किया। और ये देख सकते हैं आप इसमें, हाँ इसका इसमें एक डिफरेंट डिज़ाइन भी है, ये भी देखिए आप, इसका राउंड शेप है, सेम पिकअप डिज़ाइन में है बट इसका शेप जो है वो राउंड में है। एंड ये है दूसरा शॉप जहाँ पे प्राइस 50 से 150 के मिडिल में था, यहाँ पे भी मुझे एक पसंद आया बट वो मेरे में अच्छे से नहीं आ रहा था तो मैंने उसे इग्नोर किया और मैं अदर ट्राई करने लगी। जो अदर मैंने देखा वो भी मुझे लूज़ आ रहा है तो मैंने इसे भी नहीं लिया। फिर मैं नेक्स्ट शॉप की ओर गई, वहाँ पे मैंने निक चैन देखा, आप भी देख सकते हैं ये छोटे छोटे बटरफ्लाई है, जस्ट ब्लैक कलर में, ब्लैक बीट्स जैसे दिख रही है और जस्ट इसके बगल में जो है वो बटरफ्लाई कलरफुल में है, ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है बट मुझे ब्लैक कलर में ही निक चैन लेना था तो मैंने बगल वाले को ले लिया, वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये शॉप पे बहुत सारे चेन थे, ये बगल में भी आप देख सकते हैं, जस्ट हार्ट शेप है, स्टार शेप है, बहुत सारे शेप के यहाँ पे चेन हैं और मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मैं ले रही हूँ, ब्लैक कलर वाली मैं ले रही हूँ,
ये मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है इसलिए मैं इसको ले रही हूँ। यहाँ पर भी बहुत सारे डिज़ाइन के इयररिंग्स है, आप देख सकते हैं, और मैं शो करने वाली हूँ जस्ट वेट। इसकी भी प्राइस जो है वो 50 रुपीज़ है। इसको भी आप जीन्स और किसी भी ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हैं। यहाँ पे झुमके भी है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बटरफ्लाई डिज़ाइन का है। अब मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है क्योंकि तो हम लोग भागे कॉर्न के ठेले के सामने। कॉर्न खाने के बाद हमें लगी बहुत ज़ोरों की प्यास, तो हम लोग चले गए गन्ने के जूस की ओर। वहाँ से जूस पीने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ का जूस जो है बहुत ही टेस्टी लग रहा था, और भैया ने आइस डाल के दिया तो और भी मज़ा आया। और एक ग्लास जूस का प्राइस जो है वो 20 रुपीज़ है। सी उसके बाद अगेन से हम लोग शॉपिंग के लिए गए। इस बार मैं ड्रेसेस के ओर जा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे ड्रेसेस 1K से 1.5K के मिडिल में है। ये ब्लैक ड्रेसेस मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जस्ट फुल गाउन है ये और वन साइड शोल्डर है इसका, बट ये मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। जस्ट वेस्ट पे इसका बेल्ट लगा हुआ है, और इसके जो भी साइड में जो भी ड्रेसेस है उसके भी प्राइस 1K to 1.5K के मिडिल में ही है। ये सारी पिंक वाली साड़ी भी बहुत ही अच्छी लग रही है। आप कभी भी हैदराबाद को आएँ तो सुल्तान बाज़ार ज़रूर जाएँ, वहाँ पे बहुत सारे ड्रेसेस मिलती हैं, अफोर्डेबल है, वो हम परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सरारा सेट थे एंड लहंगा भी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अप एंड डाउन लहंगे भी है और बहुत सारे ये वन पीस जैसा भी है। तो मैं अब दूसरे शॉप में गई क्योंकि मैं वन पीस देख रही थी, तो ये वन पीस जैसा ही है बट मुझे कुछ उतना खास नहीं लगा। इसका मटेरियल जो है वो थोड़ा थीन जैसा था, बट यहाँ पे जितने भी वन पीस थे सबके प्राइस 450 to 500 और 800 के मिडिल में ही था, वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शन थे, आप भी देख सकते हैं, मैं वन बाई वन शो कर रही हूँ। यहाँ पे एक वाइट कलर का सरारा था जो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, बट उसका जो भी मटेरियल था वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, लाइनिंग अंदर में थोड़े थीन थे तो मैंने उसे इग्नोर किया। बट लास्ट में मैं दिखाने वाली हूँ आपको, वहाँ जो मुझे लास्ट में पसंद आया वन पीस वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने वो लिया भी। ये वाइट सरारा है, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन ओनली। इसमें 4 कलर्स थे, ये जो वन पीस है इसमें 4 कलर थे, मैरून एंड टील ब्लू ब्लैक एंड वन ये पिंक, बट मुझे ये टील ब्लू कलर बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने इसे बाय किया। अब आते हैं बैग की ओर। यहाँ पे जो भी बैग है उसका प्राइस 100 से 250 के मिडिल में है। बैग की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और ये भी हमारे बजट में आता है। ये छोटे छोटे बैग्स की प्राइस जस्ट 50 रुपीज़ है। यहाँ पे बहुत सारे बैग के स्टॉल्स थे, इस एरिया में पूरे बैग के स्टॉल्स थे। मैं जस्ट अभी जो न्यू लुक में चल रहा है साइड बैग, मैं उसके लिए बोल रही थी, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं यहाँ से बैग भी परचेज की। मैंने बहुत सारी चीज़ें परचेज की है फ्रेंड्स, ये बैग मैंने परचेज किया, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने इसे परचेज किया। इसका कलर वाइट एंड जस्ट प्रिंटेड पिंक है, और इसका जो बेल्ट है वो ब्लैक बेल्ट है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे बैग्स हैं, यहाँ पे जस्ट ट्रॉली बैग भी अवेलेबल है। उसके बाद हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी तो हम लोग समोसे चटनी खाने के लिए चले गए। वो खाने के बाद हम लोग भागे टॉय शॉप की ओर, जहाँ पे बहुत सारे टेडी बियर लगे हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लग रही थी वहाँ पे। वहाँ पे टेडी बियर का प्राइस 100 से 300 के मिडिल में था, जो कि अफोर्डेबल था, वो भी प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा टेडी बियर था वहाँ पे। फिर उसके बाद मैं क्लिप के लिए गई, हेयर क्लिप्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेयर क्लिप्स जस्ट मुझे 100 रुपीज़ में रिसीव हुआ, बट जब मैंने ऑनलाइन देखा था तो इस क्लिप्स का प्राइस 250 रुपीज़ था। मैंने लास्ट टाइम मीशो से ऑर्डर भी किया बट यहाँ पर जस्ट मुझे 100 रुपीज़ में रिसीव हुआ, मैं तो बहुत ही हैप्पी हो गई। उसके बाद मैंने 2 परचेस किया यहाँ से, ये जस्ट स्टोन लगे हुए हैं, और फिर उसके बाद हम लोग घर आने लगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पार्ट 2 भी लेकर आने वाली हूँ क्योंकि मैंने जो भी परचेस किया है वो मैं पार्ट 2 में मस्ट अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ आप वो भी मिस ना करें। तो तब तक के लिए बाय बाय।